बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ एट होम एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर न्यू काउंटडाउन बुक 5, थर्ड एडिशन। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 14। एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1C। And we have done its question number 1 and question number 2. So today we are going to start question number 3. Select the correct answer from the given options. MCQs हैं ये, इनको सॉल्व करके देखते हैं। नंबर ए इज 100,000 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू डैश। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए मैंने आंसर्स तो मार्क कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। एक शॉर्ट की है, आपने हमेशा शॉर्ट की को ही नहीं फॉलो करना। सिर्फ आपको एक मैं जहन में रखने के लिए बता रही हूँ, आपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके अपने रफ वर्क के अंदर देन उसको आंसर आउट करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम किसी नंबर को 10 के साथ डिवाइड करते हैं, लेट सपोज़ हमारे पास 1000 है, ठीक है। जब हम इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसमें से एक ज़ीरो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसमें से 2 ज़ीरोज़ रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक हो गया। और जब हम इसको 1000 के साथ करेंगे तो वैसे इसके तीनों ज़ीरोज़ रिड्यूस हो जाएंगे। आपको ये वाला रूल समझाना चाह रही हूँ कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके ज़ीरोज़ रिड्यूस होते हैं, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होते हैं। लाइक हम अगर 1000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम 1000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको 1000 के साथ करते हैं तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल आपने याद रखना है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो फिगर रिड्यूस होता है, लाइक उसके डिजिट्स गिरते हैं, कम होते हैं, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं, लाइक ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है कि 100,000 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू डैश, कि 100 के साथ जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो मैंने आपको डिवीजन का रूल बताया था कि डिवीजन में नंबर्स रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं, तो 100 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो नंबर्स इसके कम हो जाएंगे, दो ज़ीरोज रिड्यूस हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1000। सेकेंड ऑप्शन है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है जी? आपने टेबल जो है वो याद किया हुआ है, टेबल आप लिखें सिंपली वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो आप हमेशा, मैंने आपको कहा था, एक बात बताई थी कि जब आप किसी नंबर को चेक करते हैं तो आप हमेशा उसको राइट साइड से लिखकर चेक करते हैं, राइट टेबल की राइट साइड से। तो हमने 6 डिजिट्स पुट करने हैं, हमने देखना है कि हमारा जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो कौन सा बनता है, ठीक है। तो ये हमारा बनता है 1 लाख, 100,000, ठीक है। 1, 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000। सो ये हमारा 100,000 जो है हमारा 6 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 100,000 इज अ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर वी है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है उसको 100 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है। एक तो आप इसको मल्टीप्लाई करें,
तो भी ठीक है। और दूसरी जो मैंने आपको एक और बताया था आपको मैंने रूल के, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे दो जीरोस का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास 10 मिलियन बन जाएगा। लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो को ज़ीरो से ज़ीरो 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 जब मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आएगा, 1 0 0। देन एक हमारा ज़ीरो डन हो गया, हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, दूसरा ज़ीरो लेंगे तो इतने ही ज़ीरोस पुट करेंगे, 0 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
कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ज़ीरो ही लगेगा। सो जब हमारे टू डिजिट्स हो गए तो हम यहाँ पे दो क्रॉसेस लगा लेंगे, मीन्स टू से दो डिजिट्स हमारे डन हो गए। अब वन है तो वन का भी इसी तरीके से पढ़ेंगे टेबल, 100 100 100 100 100 100 100 एंड 1 1 1, ठीक है। अब 0 0, यहाँ पे वैल्यूज प्लस होती हैं चूँकि यहाँ पे ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही रहेगा। आपको मैंने एक रूल बताया था कि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट्स इंक्रीज होंगे, सो हम यहाँ पे 100 के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे कितने ज़ीरोज इंक्रीज होंगे, 2 ज़ीरोज। हमारे पास क्या था पहले, 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दो डिजिट्स हमारे जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं इसमें, 2 ज़ीरोज हमारे क्या हुए, इंक्रीज हो गए। तो हमारे पास क्या बना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000 एंड 10,000,000, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10,000,000। नेक्स्ट वन इज सी एसोसिएटिव लाइज ट्रू फॉर एडिशन, इस ऑप्शन को मार्क कर लें। एसोसिएटिव लॉ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको इसका फॉर्मूला बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में। सो ऑप्शन नंबर डी है, 5,694 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ भी रूल वही है, आपके पास एक डिजिट रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि आंसर आपके पास 3 डिजिट्स में आएगा, तो आप सिंपली यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 5,694, आपके पास 13 है, 13 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी किया 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, हमारे पास 52 आ गया, 6 में से 2 गए, बाकी 4, हम 9 को नीचे ले आएंगे, 49 है। अब 13 3 ज़ा 39 होता है, आप इसको यहाँ पे करके देख सकते हैं। अब 9 में से 9 गया 0 एंड 4 आ गया नीचे, सॉरी 4 में से 3 गए बाकी 1। आपके पास 10 है तो 10 चूंकि छोटा है और 13 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को नीचे ले आएंगे, 104। अब हम 13 के टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8 2, 10 104, 8 टाइम्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 104 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये डिवाइजर होता है, ये आपका कोशेंट होता है, और यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इन चीज़ों को आई होप सो आपने याद रखा होगा कि ये हमारा डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। आपको ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ भी सकते हैं, लेकिन आपने इन बेसिक्स को याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो हमने बात की थी कि जब हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो नंबर रिड्यूस होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो इंक्रीज़ होते हैं, सो हमारे पास 13 के साथ हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 डिजिट नंबर था, 1 2 3 4, तो हमारे पास आंसर में 3 डिजिट नंबर आया, 4 3 8, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, 698,257 मल्टीप्लाई बाई 24, जब हम इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट बढ़कर आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास 6 डिजिट्स हैं तो आंसर हमारा जो है वो
बढ़कर आएगा, यानी कि डिजिट इंक्रीज होकर आएगा। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट इंक्रीज होगा और डिवाइड करेंगे तो डिजिट जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक हो गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। 698,257 मल्टीप्लाई बाय 24। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि पहले आप एक डिजिट को लेते हैं और सबके साथ उसके टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, 4 है तो 7 4 20 8, 2 हम क्या करेंगे कैरी ले लेंगे, 5 4 20 और 2 22, फिर हम 2 कैरी ले लेंगे, फिर 4 2 8 और 2 10, 8 4 32 और 1 33, 3 हम कैरी ले लेंगे, फिर 9 4 36 36 और 3 39, 3 आप कैरी ले लेंगे, 6 4 24 और 3 27। सो अभी आपने इसको एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आप काउंट कर सकते हैं कि आपके डिजिट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 and 7, एक डिजिट आपका इंक्रीज हो गया। और एक डिजिट आपने एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया सारे डिजिट्स को, तो एक क्रॉस हम लगा देंगे, इट्स मीन 1 digit इज गॉन। सो अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2, टेबल पढ़ेंगे, 7 2 14, ठीक है, 1 कैरी ले लिया, 5 2 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5, फिर 8 2 16, 6 लिखेंगे और 1 हम करेंगे कैरी लेंगे, 9 2 18 और 1 19, 1 हम कैरी लेंगे, 6 2 12 और 1 13, ठीक है, ठीक 1 हमने कैरी लिया था ना, वो वाला 13 हो गया 1 प्लस करके। अब हमने इन इस सारे फिगर को प्लस करना है, 8 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके साथ वैल्यू जो है वो 0 है, 4 × 6 हो जाएगा, 1 एज इट इज़ आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, 5 × 8 हो जाएगा। अब 9 और 6 को प्लस करें, 15, 1 हम कैरी ले लेंगे, 7 1 8 8 और 9 17, 1 कैरी ले लेंगे, 2 और 1 3 3 and 3 6 और 1। अब आप चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके दो डिजिट्स इंक्रीज हो गए हैं। तो ये रहा आपका आंसर, इसको आप मार्क कर लें यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन 1 6 7 5 8 1 6 8 16,758,168, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो गया है बच्चों, इसको आपने बुक के ऊपर ही करना है, ये आपने नोटबुक पे नहीं करना, आपने अपने रफ शीट के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन आपने इसको सॉल्व करना है। इसका आपने रट्टा लगा के इसके ऑप्शंस याद नहीं करने, ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपने थोड़ा सा टाइम लगा के सॉल्व करना है, फिर आपके लिए आइंदा भी आसानी रहेगी मैथ्स करने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब फिर वही कि मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ जब, तो 10 इंक्रीज़ होगा, 100 के साथ करेंगे तो 2 zeros इंक्रीज़ होंगे, 1000 के साथ करेंगे तो 3 zeros इंक्रीज़ होंगे। लेकिन ये एक शॉर्ट की है, आपको मैं बेसिक बता रही हूँ, आपने इसको सॉल्व करके करना है, ठीक है। आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, पार्ट 1 है जो क्वेश्चन नंबर 4 का, 1000 × 5 322 है, ये 0 मैंने खुद लिखा है, इसमें मौजूद फ़िलहाल नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इनको कह रहे हैं कि 10 के साथ आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव 1005 322 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो पहला रूल क्या है कि एक डिजिट को ले लेंगे, 2 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 and 1 0 0। सो एक डिजिट हो गया हमारा, सो अब 1 को लेंगे, 2 1 2 2 1 2 3 1 3 5 1 5 0 1 0 1 1 1, सो 0 2 2 3 5 0 1। आपके पास क्वेश्चन में क्या था, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट से, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये 0 इसलिए मैंने लगाया था। जब आप इसको
यहाँ पे करेंगे तो ये 500 है, ये 5000 हो जाएगा। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है और ये भी आपने करना है, एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका है ऑप्शन मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अब इन्हीं नंबर्स को पहले हमने 10 के साथ किया था, अब हम 100 के साथ करेंगे। एक आपके लिए मैं क्वेश्चन करती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। इसका ए पार्ट है हमारे पास 45,018 मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। सो पहले एक जीरो ले लेंगे, 8 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 एंड 4 0 0, एक डिजिट हमारा हो गया, 1 हैज बीन गॉन। सो नेक्स्ट लेंगे 8 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 एंड 4 0 0, हमारे दो डिजिट्स हो गए, दो क्रॉसेस हमने लगा लिए। अब 1 लेंगे, 8 1 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1 0 1 ज़ा 0 5 1 ज़ा 5 4 1 ज़ा 4। अब इसको प्लस करेंगे, आई थिंक सो आपने पहले भी ये क्वेश्चन किए हैं इसलिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हमारे पास क्वेश्चन में कितने डिजिट्स थे, 1 2 3 4 5, आंसर में कितने आए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्यों दो डिजिट बढ़े, क्योंकि हम 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ की जगह 5 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक थोड़ा सा प्रोसीजर जो है उसका एक स्टेप लॉन्ग है। इससे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ज़ीरोज इंक्रीज होते जाते हैं, 10 के साथ 1, 100 के साथ 2 और 1000 के साथ 3 ज़ीरोज़ इंक्रीज होंगे। सो यहाँ 1000 के साथ एक क्वेश्चन मैं आपको करके देती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। 618,500 हमारे पास क्या है, 618,500 मल्टीप्लाई बाय 1000। आपने बिल्कुल इसी तरीके से पहले एक जीरो लेना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 0 0 1 0 0 6 0 0, एक जीरो हो गया, एक क्रॉस लगा देंगे, नेक्स्ट जीरो लेंगे, इसी तरीके से ज़ीरो, इतने ज़ीरोज़ हमारे पास आएंगे जितने हमारे पास डिजिट्स हैं, सबको ज़ीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। जब दो ज़ीरो हो गए तो दो क्रॉसेस हम लगा लेंगे, तीसरा ज़ीरो लेंगे, देन फिर ऐसे ही होगा, आपके ज़ीरोस इतने ही लगेंगे जितने आपके पास डिजिट्स हैं। सो आपके तीनों ज़ीरोज़ हो गए, आपके पास 1 आ गया, आप 3 क्रॉसेस लगा देंगे क्योंकि आपके 3 डिजिट्स डन हो गए हैं, 1 0 0 1 0 0 5 1 ज़ा 5 8 1 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1 6 1 ज़ा 6। आप इसको प्लस कर लेंगे तो आप यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 3 ज़ीरोज़ इंक्रीज होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ इंक्रीज हो गए क्योंकि हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, मैंने इसका पहला पार्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 का, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, बाकी के पार्ट्स आपने खुद करने हैं। आपका होमवर्क मैं आपको एंड में मेंशन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब डिवीजन में क्या होता है, एक जीरो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि एक जीरो कम हो जाता है, लेकिन हम इसको पहले क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। 3 4 7 0 80, डिवाइडेड बाय 10। ये डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड है, इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं। सो हम पहले इस नंबर दो पेयर ऑफ नंबर ले लेंगे जो कि 10 से बड़ा है। हम टेबल पढ़ेंगे, 10 3 ज़ा 30, अगर 10 4 ज़ा 40 पढ़ेंगे तो 34 से अबव हो जाएगा, वो 34 10 के टेबल में नहीं आता, तो हमने वो पढ़ना है जो 10 के टेबल में आता है, 10 3 ज़ा 30। अब 4 हमारे पास आ गया, अब हमारे पास 4 जो है वो एक नंबर है और जो हमारा डिवाइज़र है उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट मज़ीद नीचे ले आएंगे, 7 है। अब 47 10 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम उससे पीछे थोड़ा टेबल पढ़ेंगे जो 10 के टेबल में आता है, 10 4 ज़ा 40, देन
ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, सेम हो गया, जीरो आ गया। और जो इस साइड वाला जीरो होता है वो हम नहीं लिखते आगे, इसलिए हम सेवन लिखेंगे। और सेवन अब अकेला है तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास क्या है, 70 है। तो अब हम 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 सेवन ज़ा 70। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है और इस साइड वाला ज़ीरो हम नहीं लिखते, तो हम ये दोनों डिजिट्स जो हैं यहाँ पे नीचे ले आएंगे। जब हम दो डिजिट्स को इकट्ठा नीचे लाते हैं तो यहाँ पे एक ज़ीरो का इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है कि जब हम यहाँ से, वैसे रूल होता है कि एक एक डिजिट को लाते हैं, जब हम यहाँ से दो डिजिट्स को नीचे इकट्ठा लेकर आते हैं तो हम यहाँ पर कोशेंट में एक ज़ीरो का इंक्रीमेंट करते हैं, एक ज़ीरो लगा देते हैं, एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं। अब 10 का टेबल जो है 80 पे 8 टाइम्स पूरा आता है, तो 100 इसको हम 10 एट ज़ा 80 करेंगे। तो आपका जो आंसर है वो है 34708 34708 इज़ योर कोशेंट। तो अब आपने एक ये देख लिया है, अब यहाँ पे आप ये इसको आपस में रिजेंबल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में जीरोज़ इंक्रीज होते हैं और डिवीजन में डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स थे और यहाँ पे क्या हुआ, एक डिजिट रिड्यूस हो गया, 1 2 3 4 5 डिजिट्स में हमारा आंसर आया। सो बच्चों, ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, पार्ट बी एंड सी आपने खुद करना है। और इसका रूल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा, 10 यहाँ पे 200 है तो 20 में आंसर आएगा आपका, 23820 में आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 19421 में। देन यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आपका आंसर जो है दो जीरोस को डिक्रीज करके आएगा 1847800 और 1327, ये आपका आंसर आएगा। 1000 के साथ आप जब करेंगे आपका आंसर आएगा 856892700 300, इसके रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, तो बच्चों अभी यहाँ तक तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर प्रॉपरली राइट करना है। पहले आपने इसको रफ कॉपी के ऊपर करना है, देन आपने इसको नीट कॉपी पे राइट करना है। आपका जो होमवर्क है, जो आपने अपनी स्कूल होमवर्क कॉपी के अंदर करना है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर एट नाइन एंड टेन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इज़ फॉर योर होमवर्क कॉपी। आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 के सारे पार्ट्स अपनी होमवर्क कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। सो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ तक हो गई। आगे बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चन का थोड़ा प्रोसीजर लॉन्ग है। हम आगे कुछ डिवीजन मेथड, लॉन्ग मेथड पढ़ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपकी ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 पे हम ख़त्म कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।